हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल टेक हिंदी। और आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। तो इस वीडियो में मैं आपको इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, एक इंजन में बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट का अलग अलग वो मटेरियल का बना होता है, अलग अलग उनका फंक्शन होता है। तो एक एक करके मैं इन सारे कंपोनेंट के बारे में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरह समझाने के लिए इस तरह के एनिमेशन का हेल्प लूंगा, ताकि आप अच्छे तरह से हर एक पार्ट को समझ सको। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा क्रैंकशाफ्ट। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्रैंकशाफ्ट करता क्या है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इस तरह का डायमेंशन होता है एक क्रैंकशाफ्ट का। ओके, तो आप देख सकते हो कि क्रैंकशाफ्ट एक एंड से पिस्टन से अटैच होता है और क्रैंकशाफ्ट के ऊपर में पिस्टन लगा होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं क्रैंकशाफ्ट के बारे में। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन यानी के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। ये इंजन के बॉटम में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है टू रोटेट द पिस्टन इन अ सर्कुलर मोशन। क्रैंकशाफ्ट इज फर्दर कनेक्टेड टू फ्लाईव्हील, क्लच एंड मेन शाफ्ट ऑफ द ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर एंड बेल्ट पुली। टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन, द क्रैंकशाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। क्रैंकशाफ्ट व्हिच इज मेड बाय स्टील फॉर्जिंग और कास्टिंग, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है और इसका रियर एंड फ्रंट एंड में बेयरिंग्स का यूज किया जाता है। और मैं बता दूं आपको कि बेयरिंग्स का यूज इसलिए किया जाता है ताकि क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के वक्त उसमें वाइब्रेशन एंड डिस्टॉर्शन नहीं हो और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स हो। द क्रैंकशाफ्ट मे बी मेड फ्रॉम कार्बन स्टील, निकल क्रोम और अदर एलॉय स्टील। चलिए अब अगले के बारे में बताता हूँ। तो अगला है हमारा कैम शाफ्ट। तो ये इस तरह का डायमेंशन होता है कैम शाफ्ट का। ये हमारे इंजन में ऊपर की तरफ लगा होता है, ठीक है। कैम शाफ्ट के नीचे में दो हमारे वॉल्व्स होते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट वाल्व होता है, ठीक है। मैंने एरो से यहाँ पर दिखा रखा है वाल्व्स को, उसके ऊपर में हमारा कैम शाफ्ट लगा होता है। तो चलिए अब इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि कैम शाफ्ट इज अ टाइप ऑफ रोटेटिंग डिवाइस और एपरेटस। इसे पिस्टन इंजन में यूज किया जाता है और इसके हेल्प से इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को ओपन एंड क्लोज किया जाता है। आप एनिमेशन में नीचे देख सकते हो कि जब एक बार रोटेशन हो रहा है तो एक वाल्व खुल रहा है और जब दूसरे बार रोटेशन हो रहा है तो दूसरा वाल्व खुल रहा है। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। इन दोनों वाल्व के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो कैमशाफ्ट आयरन एंड स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देन हमारा अगला होता है कनेक्टिंग रॉड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंजन का, आइए देख लेते हैं। तो ये इस तरह से होता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, फिर से हम लोग सेम अरेंजमेंट में जाते हैं। नीचे में हमारा कैम शाफ्ट है, बीच में क्रैंक कनेक्टिंग रॉड है और फिर ऊपर में पिस्टन है। तो मैंने एरो से दिखाया है इसको कि कनेक्टिंग रॉड कहाँ पे लगा होता है। ओके, चलिए अब एनिमेशन के जरिए थोड़ा समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। इन्हें पिस्टन रॉड भी कहा जाता है क्योंकि ये पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट के को अटैच करता है। कनेक्टिंग रॉड का काम ये होता है कि जब कंबशन प्रोसेस के दौरान एयर फ्यूल का कंबस्टिबल मिक्सचर एक प्रेशर वेव जनरेट करता है, उस वक्त कनेक्टिंग रॉड इस प्रेशर वेव को पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसमिट करता है। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है और इस स्ट्रोक से इंजन का पावर ड्राइव होता है, ठीक है। तो आप एनिमेशन के जरिए समझ सकते हो कि जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो येलो रंग से मैंने दिखा रखा है हमारे कनेक्टिंग रॉड को, तो ये हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड को स्मॉल एंड कहते हैं और ये एंड कनेक्टेड होता है टू द पिस्टन थ्रू गर्जियन पिन। ओके, और दूसरा एंड जो कि बिग एंड कहलाता है, ये कनेक्टेड होता है टू क्रैंक शाफ्ट थ्रू क्रैंक पिन। ये हमारा क्रैंक पिन है। कनेक्टिंग रॉड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ ड्रॉप फोर्ज्ड आई सेक्शन, जनरली प्लेन कार्बन स्टील का यूज किया जाता है कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए, बट वेयर लो वेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एल्यूमिनियम एलॉयज आर मोस्ट सुटेबल। जहां पे हेवी ड्यूटी इंजन का यूज किया जाता है वहां कनेक्टिंग रॉड निकल एलॉय स्टील का बना होता है।
चलिए अब चौथे हम लोग कंपोनेंट के ऊपर जाते हैं जो कि है हमारा क्रैंक केस। तो ये इस तरह का होता है क्रैंक केस, ये बाहर की तरफ लगा होता है इंजन में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। क्रैंक केस एक मेटालिक कवर होता है जो क्रैंक शाफ्ट और अदर कंपोनेंट्स को आपस में होल्ड करके रखता है। इट इज़ अ लार्जेस्ट कैविटी विद इन एन इंजन दैट प्रोटेक्ट्स द क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स एंड अदर कंपोनेंट्स फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ऑटोमोटिव क्रैंक केसेस आर फिल्ड विद एयर एंड ऑयल। क्रैंक केस मैग्नीशियम, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम एंड एलॉयज के बने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिन अगला जो कंपोनेंट है वो हमारा है सिलेंडर हेड्स। तो ये इस तरह का होता है, ये ऊपर में होता है, ओके। चलिए इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको कि सिलेंडर हेड्स रिफर्स टू अ डिटैचेबल प्लेट विच इज यूज्ड फॉर कवरिंग द क्लोज्ड एंड ऑफ अ सिलेंडर असेंबल्ड इन एन ऑटोमोटिव इंजन। इट कंप्राइजेस ऑफ कंबशन चैम्बर, वाल्व, ट्रेन एंड स्पार्क प्लग्स। Different types of automobiles have different engine configurations, such as straight engine has only one cylinder head, while the other engines has two cylinder heads. Then जो हमारा next component है वो है engine belts. तो ये इस तरह का shape में होता है engine belt, दो pulleys के बीच में ये लगा होता है, okay? तो चलिए अब आपको मैं इंजन बेल्ट्स के बारे में बताता हूँ। इंजन बेल्ट्स आर दी बैंड्स मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज्ड फॉर कनेक्टिंग और जॉइनिंग टू रोटेटिंग शाफ्ट्स और पुलीज टुगेदर। ये बेल्ट्स वर्क करते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद व्हील्स एंड एक्सल फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी। जब व्हील्स और शाफ्ट्स एक्सट्रीमली डिफरेंट एंगल पे पोजिशन होते हैं, देन द इंजन बेल्ट्स हैव द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। देन जो अगला है कंपोनेंट वो है इंजन ऑयल सिस्टम जो होता है हमारे इंजन में। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ऑयल इज वन ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। ऑयल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्ट्रॉन्ग प्रेशर टू ऑल अदर मूविंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन विद द हेल्प ऑफ एन ऑयल पम्प, ओके। और ऑयल पम्प को मैंने यहाँ ब्लैक रंग से दिखा रखा है कि किस कहाँ पे ये होता है। ऑयल पम्प इंजन के बॉटम में ऑयल पैन में प्लेस होता है और ये गियर के हेल्प से क्रैंक शाफ्ट या कैम शाफ्ट से जॉइंट होता है। नियर द ऑयल पंप देयर इज एन ऑयल प्रेशर सेंसर विच सेंड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ ऑयल टू अ वार्निंग लाइट और मीटर गेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो कंपोनेंट है वो है इंजन वाल्व। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो तरह के वाल्व होते हैं। वाल्व तो और भी होते हैं लेकिन मेनली मैं यहाँ दो तरह के वाल्व की बात करने वाला हूँ। एक होता है इनलेट वाल्व और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इनका काम होता है ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक ऑफ इंजन एयर फ्यूल के मिक्सचर को रेगुलेट करना इन टू द सिलेंडर एंड एग्जॉस्ट गैसेस को एक्सपेल करना आफ्टर फ्यूल कंबसन। तो मैंने सबसे पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था वर्किंग ऑफ अ फोर स्ट्रोक इंजन, जिसमें मैंने इंजन के चार स्ट्रोक, ठीक है, इंटेक, कंप्रेशन, कंबसन, एग्जॉस्ट को अच्छी तरह समझाया था। तो जिसमें मैंने वाल्व के भी फंक्शन को समझाया था, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो ये जो वाल्व होते हैं दे आर इंडिस्पेंसेबल टू द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेटेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स नोन एज वाल्व ट्रेन। इंजन वाल्व्स स्ट्रक्चरल सिरामिक्स, स्टील्स, सुपर अलॉयज और टाइटेनियम अलॉय के बने होते हैं। वाल्व मटेरियल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर द वाल्व्स आर टू एंड्योर, ओके। तो ये इंजन वाल्व हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है वो है इंजन ब्लॉक। एन इंजन ब्लॉक इज अ मेटल कास्टिंग दैट सर्व्स एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑन विच अदर इंजन पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड। अ टिपिकल ब्लॉक कंटेन्स बोर्स फॉर पिस्टन, पंप्स और अदर डिवाइसेस टू बी अटैच्ड टू इट। इवन इंजन्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड एज स्मॉल ब्लॉक और बिग ब्लॉक बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सिलेंडर बोर्स ऑफ इंजन ब्लॉक्स। इंजन ब्लॉक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम अलॉयज, ग्रे कास्ट आयरन, फोरस अलॉयज, व्हाइट आयरन, ग्रे आयरन, डक्टाइल आयरन, मैलिएबल आयरन एट्सेट्रा, ओके। जो दिन जो अगला है हमारा वो है इंजन पुली। तो ये इस तरह का होता है इंजन पुली। एंड इंजन पुली इज अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स सर्कमफ्रेंस अपॉन विच
इंजन बेल्ट्स रन एंड ट्रांसमिट मैकेनिकल पावर टॉर्क एंड स्पीड अक्रॉस डिफरेंट शाफ्ट्स ऑफ एन इंजन. एन इंजन हॉर्सेस पुली यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर कैमशाफ्ट ड्राइव एसेसरी ड्राइव एंड टाइमिंग बेल्ट्स. मोल्डेड प्लास्टिक्स आयरन एंड स्टील्स आर नॉर्मली यूज टू मेक इंजन पुलीज. ओके, तो देन जो अगला है वो है हमारा इंजन ब्रैकेट्स. एन इंजन ब्रैकेट इज अ मेटेलिक पार्ट यूज टू ज्वाइन एन इंजन माउंट टू द पावर यूनिट और द बॉडी ऑफ अ व्हीकल. दीज ऑटो पार्ट्स आर इंस्टॉल्ड बिटवीन अ व्हीकल्स बॉडी एंड पावर यूनिट टू डैम्पेन द वाइब्रेशंस जनरेटेड बाय द इंजन, दस प्रिवेंटिंग अ व्हीकल्स बॉडी फ्रॉम शेकिंग ड्यू टू द वाइब्रेशंस. इंजन ब्रैकेट्स आर मेड फ्रॉम डक्टाइल आयरन कास्ट एल्यूमिनियम फाइबर ग्लास एंड एलॉयज. देन जो अगला है वो है हमारा इंजन माउंटिंग बोल्ट्स. ऑटोमोटिव माउंटिंग बोल्ट्स सिक्योर डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स विद एयर बैग्स ब्रेक फिटिंग एटसेट्रा ऑन टू अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर. लाइकवाइज इंजन माउंटिंग बोल्ट्स हेल्प सिक्योर एन ऑटोमोबाइल्स इंजन इन प्लेस बेस्ड ऑन यूजेज अ नंबर ऑफ मटेरियल सच एज एलॉयज सिलिकॉन ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सिरेमिक कार्बन एल्यूमिनियम नाइलॉन फॉस्फर ब्रॉन्ज निकल सिल्वर प्लास्टिक टाइटेनियम जिरकोनियम एंड स्टेनलेस स्टील आर यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस दीज बोल्ट्स. फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं इंजन के जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है. और इस तरह से ही एनिमेशन के जरिए आपको समझाऊंगा अलग अलग पार्ट्स के बारे में. टोटल 12 पार्ट्स के बारे में और बताना है जो कि मैं अगले पार्ट में समझाऊंगा सेम टॉपिक के, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. थैंक यू, गुड बाय.